सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट, दो लोग कपल्स हैं, देखिए प्रियंका योगी तिवारी जी। मैं सुबह इनका लाइव वीडियो देख रहा था रूम में बैठ करके, और फाइनली मिलने का मौका मिला। कैसे रहे दर्शन? बहुत बढ़िया रहे, दर्शन हो गए। मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ, बहुत मतलब इंस्पायर्ड हूँ आपसे। तो दोस्तों, इस पवित्र सी घाटी में हम चरण पादुका पहुंचे, और दिखाते हैं आपको वो पवित्र से चरण। भगवान जी के जय हो, भगवान आशीर्वाद दे देना हमें। और लोटा है ना, उसे जल खींचना। अच्छा, और यहाँ पे शिवलिंग में जो है हम पानी भी चढ़ा सकते हैं। देखिए भगवान जी हर जगह विराजमान है, और नीचे देखिए पानी भी है। तो यहाँ पे जो लोटा है वहाँ पे रखा हुआ है, तो उससे हम पानी निकाल करके ना जो है शिव भगवान पे, जो शिवलिंग है, तो उस पे पानी चढ़ा सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है इस पवित्र धाम में, बद्रीनाथ धाम में। जैसे कि कल हम यहीं ठहरे थे, और आज जो है मॉर्निंग का टाइम है, हम निकले हैं फिर से दर्शन के लिए बद्रीनाथ के। आज अंतिम दिवस है 2022 का, हम दर्शन करेंगे अच्छे से और आपको भी कराएंगे। फिलहाल मौसम की बात की जाए तो अच्छी खासी धूप है, देखिए चारों तरफ बहुत ही अच्छा, और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी हैं, तो कुछ ऐसा मौसम है। तो चल रहे हैं हम आगे दर्शन के लिए, और एक और इंटरेस्टिंग जगह हम आज जाने वाले हैं, चरण पादुका, जहाँ पे भगवान विष्णु जी के चरणों के निशान हैं। तो यहाँ पे हमारे मुलाकात होती है हमारे भाई से, जो कि है थैंग गांव से, जहाँ मैं गया था, राजेश नेगी ब्लॉग्स करके, जो कि पहाड़ियों की खूबसूरत घाटियाँ दिखाता है। तो अच्छा लगा मिल करके, और भाई से सभी बहुत सारे दोस्त मिल गए यार यहाँ पे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मुलाकात होती रहती है कहीं ना कहीं, और आज इस पवित्र धाम में लास्ट दिन है ना, क्लोजिंग सेरेमनी आपको, तो क्लोजिंग सेरेमनी दिखाएंगे राजेश नेगी भाई के साथ, आज घूमेंगे दिखाएंगे और जन्नत। तो मजा आया भाई, सुबह मैंने आपका ब्लॉग देखा आज, देखा, अरे बहुत बहुत शुक्रिया, तो मुझे तब पता लगा तुम्हारे को, तो अच्छा लगा। अभी मिलते हैं सभी से, दर्शन करते हैं बाकी। तो दोस्तों, अभी ना दर्शन करते जाते हुए हमारे मतलब YouTube फैमिली सब्सक्राइबर भी कह सकते हैं, और सर मिले हमें दर्शन करने, जो लास्ट दिन आए दर्शन करने, सोनू देवगन जी है, जिनसे मुलाकात होती, मतलब बात होती रहती थी। सर से एक्सपीरियंस पूछते हैं, कैसा ठंडा लग रहा है? बहुत ठंडा है यहाँ पे, अगर वैसे तो आज क्लोजिंग है, अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी आओ तो पूरे गर्म कपड़े साथ लेके आओ। हाँ जी, और सर का मैं तो भाई तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि सर ने मेरे को गिफ्ट दिया, देखो इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, कि ऐसे प्यार आप देते रहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली मैं हेमकुंड साहिब कहीं भी जाता हूँ तो आपके प्यार के बदौलत, और सर की जो फैमिली है उनसे भी वीडियो कॉल पे बात हुई, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। अभी आप दर्शन करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, आज ही जाएंगे, जा रहे हैं बस, आज ही वापसी जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलो ऐसी मुलाकात होती रहेगी अगले साल तो हेमकुंड साहिब में पक्का 100%। और कुछ कहना चाहते सर? बस आप मिल गए, बहुत अच्छा हो गया लग रहा है आपसे मिल के। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, कल से बात हो रही थी सर से कि कहाँ पे मिलोगे, कब मिलोगे, तो आज फाइनली मॉर्निंग के टाइम पे दर्शन करते हुए मिल गए सर, तो बहुत अच्छा लगा सर से। तो यहाँ पे ना जो भंडारा भी लगा हुआ था आज बद्री विशाल जी के नाम पे, तो यहाँ पे देखे मॉर्निंग का टाइम है कुछ, और भीड़ इतनी ज़्यादा कि भाई लग ही नहीं रहा दर्शन कर पाएंगे, यहीं से इतनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है बहुत ही, लेकिन व्यू अच्छा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आ करके, सुकून तो मिलता ही है। फिलहाल ये देखें बद्री विशाल जी का मंदिर। तो यार दोस्तों, आप जा रहे हैं बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए, और कितनी भीड़ है ना, ऐसे देख के लग रहा है कि शायद अंदर तो नहीं हो पाएंगे दर्शन, बट कोई बात नहीं, लास्ट टाइम भी मैं आया था अंदर से बहुत अच्छे से, बहुत टाइम स्पेंड करके मैंने अच्छे से दर्शन किए थे, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है बाहर से दर्शन करेंगे। बाकी यार नज़ारा इधर जो बद्री विशाल जी, बद्री धाम का नज़ारा आप देखिए, नीचे अलकनंदा बह रही है, और जहाँ पर हम जाने वाले हैं ना, बहुत सी पवित्र सी जगह, जहाँ पर कहा जाता है कि विष्णु भगवान जी बद्री विशाल जी के चरणों के निशान हैं, वहाँ पे चरण पादुका, यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर उस छाव के हमें जाना है, और वहाँ पे चरणों के भी ज़रूर दर्शन करेंगे बद्री विशाल जी के, और आपको भी ज़रूर कराएंगे।
दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं बद्री विशाल जी का भव्य सा मंदिर, जहाँ पे आज इतनी भीड़ लगी है क्लोजिंग सेरेमनी में। सब लोग उत्सुक रहते हैं इस दिन के लिए, स्टार्टिंग दिन भी और एंडिंग दिन भी। तो अब जो दर्शन हो पाएंगे वो नेक्स्ट अगले 6 महीने में हो पाएंगे, जब कपाट खुलेंगे यहाँ के। फिलहाल बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, धूप भी बहुत अच्छा, मौसम भी बहुत बढ़िया, और इतना भीड़ देख करके ना बहुत ही अच्छा लगता है कि इतने लोग, मतलब आज भी इस कलयुग में भी विश्वास है लोगों का भगवान पे। तो ये सबसे बड़ी आस्था वाली बात है इतनी दूर। तो दोस्तों उत्तराखंड ये भाई सबसे मशहूर यूट्यूबर आप कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट, दोनों कपल्स हैं। देखिए प्रियंका योगी तिवारी जी, मैं सुबह इनका लाइव वीडियो देख रहा था रूम में बैठ करके, और फाइनली मिलने का मौका मिला। कैसे रहे दर्शन? बहुत बढ़िया रहे, दर्शन हो गए। मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ, बहुत मतलब इंस्पायर्ड हूँ आपसे, और 6 महीने से स्टार्ट किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये कुछ व्यू है यहाँ का। अब चलते हैं आगे ऊपर की तरफ, चरण पादुका, जहाँ पे विष्णु भगवान जी के चरणों के निशान है कदमों। तो दोस्तों अब हम जाने वाले हैं चरण पादुका की ओर, और यहाँ से हम गुजरते हैं जो राइट हैंड साइड से, मंदिर के राइट हैंड साइड से जो एक गांव है यहाँ का, बद्रीनाथ धाम में बामड़ी गांव जिसको कहा जाता है। तो यहाँ से रास्ता है, तो जा रहे हैं हम इस गांव के रास्ते से। बहुत ही अच्छा प्यारा सा भी गांव है ये, यहाँ मैं पहले भी बचपन में आया हुआ हूँ, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद मैं अब आ रहा हूँ। तो दोस्तों चरण पादुका जाने का रास्ता ये है, बामड़ी गांव से थोड़ा सा आगे आप 200 मीटर्स आगे आएंगे तो यहाँ से एक लेफ्ट ऐसे सीढ़ी करके है, पानी की जो है पीने का पानी है, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। तो ये रास्ता है चरण पादुका जाने का, और यहाँ और हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं नीलकंठ पर्वत, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आज दिख रहा है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं, कभी बादल लग जाता है कभी कुछ। और यहाँ से बेस कैंप तक का ट्रैक है, नीलकंठ बेस कैंप, वो लगभग 10 किलोमीटर है, लेकिन दिखने में बहुत पास दिखता है। बेस कैंप ही 10 किलोमीटर, तो सोचे ऊपर जाते जाते तो कितना लंबा होगा। बाकी यार यहाँ बामड़ी गांव, उधर का नज़ारा, पल्ली तरफ का जो नज़ारा है बद्रीनाथ धाम को, बहुत ही सौम्य, बहुत खुला एरिया है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। दोस्तों हम जाते हुए, चरण पादुका जाते हुए बीच में एक गुफा आती है, जहाँ पे कहा जाता है जो बाबा जी हैं वो 12 महीने यहीं पे रहते हैं सिर्फ, है नहीं, लेकिन उनकी गुफा देखिए यार कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल छोटा सा दरवाज़ा इस गुफा के अंदर रहना है ना, यहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे कितनी अच्छी पवित्र सी जगह ये लग रही है ना, यहाँ पे फील ऐसा हो रहा कि भाई मानो कि हम स्वर्ग में आ गए, ऐसा फील हो रहा है। बस देखने में कुछ लग नहीं रहा, बट फील हो रहा है, क्योंकि यार कोई महातपस्वी यहाँ 12 महीने रहना बहुत बहुत ही मुश्किल होता है। हम तो गर्मियों का टाइम नहीं सोच सकते यहाँ आने के लिए, तो उनको बारंबार प्रणाम है, तहे दिल से प्रणाम है, और बस ऐसे ही आशीर्वाद रखे बाबा जी, और जो भगवान जी है वो भी उन पे आशीर्वाद ऐसे ही रखे कि वो सालों साल जिए, और हमें भी अपने भक्ति का मतलब सबूत दे, हम भी उनसे कुछ सीखे कि यार भक्त कैसे होते हैं रियलिटी में। तो यहाँ पे हनुमान गुफा भी स्थित है, और बाबा जी का मंदिर जो गुफा भी स्थित है। तो भाई साहब ये देखिए पानी किस तरीके से जमा हुआ है यार, मतलब एक अनोखी सी जगह लग रही है, ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल होगा ये, किसी ने बनाया होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो ये देखिए बर्फ़ ऐसी जमी हुई है यार, यहाँ पे पानी का स्रोत होगा ना कहीं पाइप के थ्रू। तो दोस्तों आप ये जो गॉगल देख रहे हैं ना, ये हमारे जो सब्सक्राइबर मिले थे जिन्होंने गिफ्ट दिया, तो साथ में ये भी गिफ्ट दिया था, थैंक यू उनका, बहुत ही अच्छा चश्मा है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ है ना, थोड़ी आँखें चमक रही है धूप से भी, तो अभी काम आ रहा है भाई उनका, थैंक यू सो मच फिर से। और चले आगे चलते हैं, हाँ जी हाँ। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अंदर, बाबा जी जो यहीं रहते हैं, और आज क्लोजिंग सेरेमनी है, तो कुछ यहाँ पे गुफा ऐसे रहती है, तो हम यहाँ से जाएंगे और दिखाएंगे आपको कितनी और लोटा है ना, उसे जल खींचना। अच्छा अच्छा, नीचे जैसे पूरे से कैसे खींचना। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम अंदर गुफा में, तो यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे है पानी नीचे, और यहाँ पे शिवलिंग में जो है हम पानी भी चढ़ा सकते हैं। देखिए भगवान जी हर जगह विराजमान है, और नीचे देखिए पानी भी है, तो यहाँ पे जो लोटा है वहाँ पे रखा हुआ है, तो उससे हम पानी निकाल करके ना जो है शिव भगवान पे जो शिवलिंग है तो उस पर पानी चढ़ा सकते हैं।
फिरता तोम स्वा भुआ भूम स्वा झूम हम ओम ओम ऐम झूम स्वाम भोर भोर व स्वाम त्र्यंबकम यजाम है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वरुक वंदना मित्तम। तो ये देखिए बाबा जी की गुफा, कुछ ऐसी व्यवस्था रहती है। और बाबा जी से पूछते हैं यहाँ पे कितने वक्त तक वो ठहरते हैं। तो बाबा जी कितने, मैं हो गया, मेरे को 22 साल हो गया बद्रीनाथ में। अच्छा, बहुत सारे गुफाओं में रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। ऊपर पहाड़ों में रहा हूँ, काली कमली कुटिया में रहा हूँ जी, संतोई कुटिया ना नीचे काली कमली बाबा काली, उसमें रहा हूँ और इस गुफा में भी रहा हूँ। इसमें भी हो गया 10-12-13 साल हो गया। अच्छा, तो यहाँ मतलब जैसे ओपनिंग होती है क्लोजिंग तक 6 महीने आप रहते हो यहाँ? 6 महीने रहते हैं। हाँ। क्योंकि 12 महीने रहने का विधान नहीं शास्त्र में। हाँ हाँ। कुछ लोग रहते हैं रहने हाँ, वाले हाँ। मगर वो शास्त्र में मना है। अच्छा, तो कुछ ऐसा दृश्य है सामने, नीलकंठ पर्वत जो कि इतना चमचमा रहा है धूप में, बहुत ही पवित्र एहसास। और एक गुफा कुछ ऐसी थी यार, क्या मतलब एक अलग ही एहसास, पवित्र एहसास यहाँ पे, जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब जो फील होती है ना, उसके लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। वीडियो में उतना नहीं आप फील कर पाएंगे है। और किस्मत कभी हर किसी की नहीं होती ऐसे साफ मौसम में दिखाई दे, कहीं ना कहीं बादल मोस्टली 80% टाइम लगा रहता है। तो कुछ ऐसे हैं आ रहे हैं श्रद्धालु, देखो सर जी भी आए हुए हैं, बड़े दूर से आए हुए हैं ट्रैक करके। तो सर का एक्सपीरियंस जान लेते हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत एकदम अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। हाँ जी, इतना अद्भुत नज़ारा भगवान के चरणों में। हाँ जी, देख कहने वाले मतलब कहने का कोई शब्द ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और इतना ठंड, इतना बर्फ गिर, लेकिन ठंड का भी एहसास बिल्कुल भूल गए हम सब। देखो भक्ति भाव से कहीं भी जाओ ना, भगवान साथ रहता है, रियल में दिक्कत नहीं देते। यहाँ आने के बाद जो एक अलग सी फील होती है हमारा जो सनातन धर्म, ऐसा लगता है कि हम दुनिया से बहुत अलग, दुनिया से धर्म एकदम सनातन धर्म की हमारा जो एक वो है। हाँ जी, हाँ जी, वो दिखता है यहाँ। सही बात, वो महसूस होता है, महसूस होता है। तो देखो वीडियो में देखना अलग बात है, अब जो एहसास हम फील कर रहे हैं ना यहाँ पे, बिल्कुल भगवान की गोद में, भगवान के चरणों में, वो आप यहाँ फिजिकली आकर के उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, है ना। थोड़ा टफ ट्रैक जरूर है, बाकी भाई जी भी आए हैं, सर जी भी और मेरे दो दोस्त भी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी आप बद्रीनाथ धाम आए तो आसपास की निकटतम जगह आप दर्शन करें, आपको और अच्छा महसूस होगा। तो दोस्तों जिसका इंतज़ार था उस पवित्र जगह पे हम पहुंच गए। देखिए इतनी ही अच्छी जगह है, पेड़ है दोनों तरफ से और वहाँ पे चरण पादुका। तो सर आप ये बताइए, आप नंगे पैरों अभी है ना, बर्फ है तो मतलब अभी वो महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है? चलो भगवान है, भक्ति अब एक है। मन में ये आया कि हाँ चरण में उनके आए हैं तो जूता पहन के उस पैसे करके छूना हमको मतलब एक थोड़ा से सनातन धर्म के हिसाब से हाँ सही नहीं लगा। जी जी जी, तो थोड़ी देर का कष्ट है, फिर से पहन लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। फिर से प्रभु के चरणों में बंधन। हाँ। थोड़ा ठंड का महसूस तो ही रहा, ठंड हाँ भी है। बाकी जो भी तो दुख तकलीफ हमारे जीवन में होता है उसको हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें ये समझना चाहिए भगवान परीक्षा ले रहा है। परीक्षा में वही पास होता है जो पूरे दुखों के साथ चलते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहे। तो कुछ ऐसे ही श्रद्धालु यहाँ पे आते, जैसे सर लोग हैं, देखिए नंगे पैर और भी बहुत सारे हैं, आप लोग भी आए हैं। कब पहुँचे आप यहाँ पे? बाबी पहुँचे हम लोग। कैसे दर्शन रहे, क्या महसूस होते हैं यहाँ के? देखो श्री धाम बद्रीनाथ जो है, क्योंकि हम लोग श्री धाम वृंदावन से आए हैं। अच्छा अच्छा। और वृंदावन धाम में भगवान का जो जितना भी अलौकिक स्वरूप है, हाँ जी, वो लीला संवरण का स्वरूप है सारा। हाँ जी, हाँ जी। पर लीला का विस्तार किया भगवान, बहुत अनेक प्रकार की लीला करी, भक्तों का उद्धार किया। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ जब भगवान पहुंचे तो उन्होंने आके यहाँ तपस्या की। हाँ जी, तपस्या रूप में यहाँ पर विद्यमान है। हाँ जी। तो इस प्रकार से कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आकर के भगवान का ध्यान करते हैं, उनका स्मरण लेते हैं ताकि उनके जीवन में कुछ उद्धार हो, कुछ अच्छे कर्म हो, ताकि हमें अंतिम में भगवान ही मिले, उनके चरण में ही हमें सौभाग्य प्राप्त हो, उनके सानिध्य। तो दोस्तों इस पवित्र सी घाटी में हम चरण पादुका पहुँचे और दिखाते हैं आपको वो पवित्र से चरण। भगवान जी के जय हो, भगवान आशीर्वाद दे देना हमें, जय हो। तो ये है चरण, देख सकते हैं ये सबसे बड़ा अंगूठा, ये उंगलियां और ये चरण पादुका। यहाँ भी आए दोस्तों दर्शन करने, बहुत बहुत पवित्र एहसास है यहाँ पे आने का। इस पवित्र सी जगह पे चारों तरफ नजरें घुमाएंगे, सामने नीलकंठ पर्वत, ये पवित्र धाम जो जाना जाता है, मतलब बहुत बड़ा धाम है ये, कहते हैं ना जहाँ भगवान निवास करते थे वहाँ पे अगर इंसान पहुँचे तो उनके तो आधे कष्ट वैसे ही, कष्ट क्या उनके जो आधे जो भी उन्होंने
पाप किए होंगे वो वैसे ही धुल जाते हैं। तो कुछ है यहाँ का ऐसा दृश्य, ये है चरण पादुका। जय बद्री विशाल। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से मिल चुके हैं हमारे सर लोग जो कि अभी दर्शन कर रहे थे। और एक सर आप ही यहाँ पहुँच गए। पहुँचेंगे भाई साहब। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे ठंड में? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया। यमुनानगर से हो ना सब लोग? आप लोग भी? मैं जोधपुर राजस्थान से। अच्छा जोधपुर। आप तो बिल्कुल कपड़े पहन के नहीं आए। मैं तो अभी बद्री विशाल की ऐसी महिमा क्रमा है कि जब कपाट खुलते हैं, जब कपाट मंगल होते हैं, तो लगभग पिछले 5 या 6 साल से लगातार मेरे को बुला रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो आप सब साथ में 4 लोग हैं ना? तो मिले मुझे। अच्छा अच्छा। तो सर लोग फिर से आ चुके हैं जो सुबह मिले थे, जिनको मैंने मिलाया था मॉर्निंग के टाइम पे। तो फाइनली आ चुके हैं सर लोग चरण पादुका के दर्शन करने। तो ठंडा लग रहा है सर आपको? बहुत ज्यादा बोला नहीं जा रहा। तो हाँ, एक और चीज मुझे मालूम पड़ी, सर का भी यूट्यूब चैनल है यार। सर से पूछ लेते हैं, आपके चैनल का नाम? मेरे चैनल का नाम है सोनू देवगन। सोनू देवगन जो है चैनल का नाम है, मेंशन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ जाके ना इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ के वीडियोस बना रहे हैं, इनके नज़रिए से भी आप यहाँ की वीडियो देखिए, इनके एक्सपीरियंस है। क्योंकि यमुनानगर से आए हैं काफ़ी दूर से। तो कुछ ऐसे हैं सर लोग, पहले भी मिले तो नहीं थे आप? हाँ, हेमकुंड साहिब में मिले थे। सर ने सुबह फोटो दिखाई थी, उनको ध्यान नहीं आ रहा। और सबीर जी भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे ब्लॉगिंग करते करते। तो चलो अभी चरण पादुका के दर्शन करने जाएंगे, 1/2 किलोमीटर और है, ज़्यादा नहीं है। और अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। ठीक है, सही मिल के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। हाँ जी, क्योंकि मेनली कभी कभार कोई कोई बंदा मिलता है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा आपका अच्छा नेचर है, आपने एक्सप्लेन करा, बहुत बड़ी बात है ये। सो भाई सभी इनको सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करो, शेयर करो, सबका ही करो। हाँ जी, थैंक यू इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। ऐसे ही वीडियो आगे बनाते रहेंगे, जब भगवान जी वाहेगुरु जी बुलाते रहेंगे अपने दरबार में, तो जा करके वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को जरूर दर्शन कराएंगे। तो कुछ इस तरीके से बद्रीनाथ धाम अंतिम दिवस, और यहाँ पे ना सभी लोग सामान समेटने लग गए हैं, क्योंकि अगले साल सीजन खुलेगा तब लोग सभी दुकानें खोलेंगे। सभी ने दुकानें क्लोज करनी स्टार्ट कर दी है और कुछ ऐसा माहौल है, सभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में हमें जल्दी निकलना है क्योंकि ट्रैफिक भी लगेगा बाद में। अच्छा, वो बाइक में आए, बाइक में नहीं आते तो गाड़ी नहीं मिल पाती। तो फाइनली हम दर्शन करके आ गए थे चरण पादुका से, और अभी हम वापसी कर रहे हैं। हम क्लोजिंग सेरेमनी तो नहीं देख सकते हैं, बाकी आप भीड़ देखिए, श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है और सब इंतज़ार कर रहे हैं क्लोजिंग टाइम की, फिर उसके बाद निकलेंगे। बट हमें जल्दी निकलना है ना, ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ठंड में हम जा नहीं पाएंगे, कपड़े उतने ज़्यादा हैवी लेके नहीं आए हैं, तो निकलेंगे। बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, और अगले साल फिर मुलाकात होगी बद्री विशाल जी के चरणों में, फिर आएंगे, दर्शन करेंगे और दर्शन कराएंगे। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, और जय बद्री विशाल, जय।